नमस्कार सभी को। नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित गौड़ आज संस्कृत की क्लास में कक्षा 9th सेम उसी भाग प्रथम के प्रथम पाठ भारती वसंत गीति पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का अर्थ देखते हैं। भारती वसंत गीति ही इसका भारती भारती से तात्पर्य लेंगे माँ सरस्वती। सरस्वती माँ का पर्याय क्या है? भारती वसंत, वसंत से वसंत ऋतु, और गीते गीत, माँ भारती को समर्पित वसंत ऋतु का गीत। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को समझने से पहले भावार्थ के लिए इनके शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, जिससे हमें पाठ के अर्थ को समझने में कठिनाई नहीं आएगी। आइए देखते हैं। निनाद इसका अर्थ होता है गुंजित करो, बजाओ, अर्थात बजाना, गुंजित करना। मृदुम, मृदुम इसका अर्थ होता है कोमल। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति समलग्नाम, अर्थात सुंदर नीति में लीन। मंजरी आम्र कुसुमम, यह क्या है? इनके अन्वय है, सरल रूप है। इनका अर्थ क्या होता है? आम्र पुष्प है। पिंजरी भूत माला, पीत पंक्त है, पीली पंक्तियां, और इसका अर्थ क्या हुआ? पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती सुशोभित हो रही है। यह अत्र अर्थात यहाँ। सरसाहा मधुर, रसालाहा आमरा आम के पेड़। रसाला का अर्थ क्या हुआ? आम के पेड़। कलापहा समूह। काकली कोकिलानाम ध्वनि, कोयलों की आवाज, कोयल की कूक। आगे देखिए। सनीरे सजले जल से पूर्ण, समीरे वायु हवा में। कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म जाया का अर्थ क्या होता है? यमुना, यमुना नदी के। सवानीर तीरे बेत की लता से युक्त तट पर। तीर का अर्थ क्या होता है? तट। सवानीर वेतस युक्त तट पर। नताम नति प्राप्तम अर्थ झुकी हुई। मधु माधवी नाम, मधु माधवी लता नाम, मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लवे मनोहर, पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे पुष्पों का समूह। मलया मारुतो चुंबिते, मलया नील संस्पृष्टे। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। आगे देखिए। स्वनंतीम ध्वनिम कुर्वन्तीम, अर्थात ध्वनि करती हुई। ततीम पंक्तिम समूह को, प्रेक से देखकर। मलिनाम कृष्ण वर्णाम, अर्थात मलिन। अलिनाम, अलिनाम किसको कहा गया है? भ्रमराणाम भंवरों को, भ्रमरों के। सुमम कुसुमम किसके पर्याय है? पुष्प के। शांतिशीलम शांति से युक्त। उच्छलेत ऊर्ध्वम गच्छेत, उच्छलित हो उठे। कांत सलीलम का अर्थ क्या हुआ? मनोहर जलम, स्वच्छ जल। सलीलम क्रीड़ा सहित, अर्थात खेल खेल के साथ। आकरणे
श्रुत्वा सुनकर, ये क्या हुए, इस पाठ के शब्द हुए और उनके अर्थ हमने देखे। अब जब हम पाठ के श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो हमें उन शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। आइए देखते हैं, हम पाठ का एक एक श्लोक का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम था भारती वसंत गीति ही, अर्थात भारती माँ सरस्वती को समर्पित वसंत ऋतु का गीत। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रेण काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा काकली, अपनी काकली इति गीत संग्रह, जो उनकी रचना थी काकली, उससे इस गीत को क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। संकलितो अस्ति, प्रकृते है सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वते है वीणाया मधुर झंकृते है प्रभवितुं शक्यन्ते। प्रकृत है, प्रकृति की सौंदर्य को देखकर अवलोक्य देखकर एव ही सरस्वती की वीणा की मधुर झंकृते मधुर झंकार से प्रभावित हो सकता है। जो यह प्रकृति का सौंदर्य है, वसंत ऋतु का सौंदर्य है, इसको देखकर वह सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार इसको बताता है कि उनकी मधुर झंकार से ही यह क्या हो सकता है, प्रकृति का सौंदर्य प्रभावित हो सकता है। इति भावना पुरस्सरम कवि ही प्रकृते है सौंदर्यम वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाये संप्रार्थयते। इस भावना से पुरस्सरित होकर कवि, कवि कौन, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ सरस्वती की, सरस्वती माता को वीणा वादनाये वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। आइए अब इसके श्लोक देख लेते हैं। निनादये नवीनामये वाणी वीणा मृदुं गाये गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला कलापहा ललित कोकिला काकलीनाम निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। अब देखिए कवि वसंत ऋतु के गीत में माँ सरस्वती को किस प्रकार प्रेरित कर रहा है अपनी वीणा बजाने के लिए। निनादये नवीनामये वाणी वीणाम, वाणी माँ सरस्वती को नवीनाम है अपनी नवीन वीणा बजाने के लिए क्या कह रहा है, हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को निनादये बजाओ, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। और मृदुं गाये गीतिं ललित नीति लीनाम, और ललित नीतियों से लीन, ललित नीतियों से युक्त मृदुम मधुर गीतों को गाओ। कवि किसको बोल रहे हैं, माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाएं और ललित नीतियों से युक्त मधुर गीतों को गाएं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी, मंजरी क्या होता है,
जो आम के पुष्प होते हैं, पीले पुष्प होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मंजरी, मधुर मंजरी, पिंजरी भूतमाला। जो मधुर मंजरिया है वह क्या हो गई है? पीली मालाओं से युक्त है। वसंत लसंती है सरसा रसाला रसाला। वसंत ऋतु में रसाला आम के वृक्षों की ये पीली मालाएं सुशोभित हो रही है। कलापाह ललित कोकिला काकली नाम। कलापा ललित कोकिला, कोकिलाओं का सुशोभित समूह है। काकली नाम कोयलों की कूक, जो कोयलों की कूक का समूह है वह क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। इसलिए माँ सरस्वती निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। आप क्या करिए, अपनी वीणा को बजाइए। अगला श्लोक देखिए। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवादीर तीरे नतां पंक्तिर आलोक्य मधुमाधवी नाम। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। इसमें देखिए कवि क्या बता रहा है। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति बहती हुई, मंद मंद धीरे धीरे, सनीर नीर से युक्त, जल से युक्त, समीरे हवा में, बहती हुई धीरे धीरे जल में, वायु से युक्त, कलिंदात्म जाया। कलिंदात्म जाया किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह शब्द यमुना नदी के लिए। यमुना नदी के सवानीर तीरे, यमुना नदी के सवानीर वेतस लताओं से युक्त तट पर नताम पंक्ति आलोके। नताम झुकी हुई पंक्तियों को देखकर मधु माधवी नाम। मधु मालती लताएं क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। इसमें कवि ने बताया जो वसंत ऋतु के प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कवि, कि बहती हुई जल से युक्त वायु में यमुना नदी के वेतस लताओं से युक्त तट पर झुकी हुई पंक्तियां बहुत सुंदर लग रही है, सुशोभित कर रही है। इसलिए माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। अगला श्लोक देखिए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते मंजु कुंजे स्वरंती कतिम प्रेक्षे मलिनाम अलिनाम निनादये नवीनामय वाणी वीणा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। ललित पल्लवे, ललित सुशोभित करते हुए पत्ते पादपे वृक्षों के, सुशोभित करते हुए वृक्षों के पत्ते, पुष्प पुंजे पुष्पों का गुच्छ समूह, मलय मारुतो चुंबिते मलय मारुत चंदनों के सुशोभित करते हुए वृक्ष, जो चंदन के सुगंधित वृक्ष को छूते हुए, मंजू कुंजे लताओं के कुंज में, स्वरंतीम भ्रमराते हुए गुनगुनाते हुए, ततीम समूह प्रेक से देखो, मलिनाम अलिनाम मलिन कृष्ण युक्त मलि अलिनाम भौरे। क्या कर रहे हैं? ललित पल्लवे, पल्लवे पादपों पर अर्थात नए वृक्षों पर, पुष्पों के पुंजों पर, नए चंदन के सुगंधित वृक्षों को छूते हुए, लताओं के कुंजों में काले भौरे, क्या काले भौरों का समूह है, गुंजार कर रहा है, गुंजायमान हो रहा है, उन्हें प्रेक्षे देखो, निनादय नवीनामय वाणी।
हे माँ सरस्वती, आप ऐसे वसंत के प्रकृति के सौंदर्य में आप अपने नवीन वीणा को बजाओ। तो इसका अर्थ हुआ कि नए पादप वृक्षों में, पुष्पों के पुंजों में और चंदन की सुगंधित वायु को छूती हुई लताओं के गुच्छों में काले भौरे अपने समूह में गुंजायमान हो रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। लतानां नितांतं सुमं शांतिशीलं चलेत उच्छलेत कांत सलीलं सलीलं तवाकरणे वीणां आदिनां नदीनां निनादये नवीनामये वाणी वीणां। लतानां नितांतं, लताओं के नितांत, सुमं कुसुमं फूलों के शांतिशील, चलेत चल उठे, उच्छलेत उच्छल उठे, कांत सलीलम स्वच्छ जल सलीलम जल, तब आकरणे उसे देखकर वीणाम आदिनाम वे अपनी वीणा को बजाइए। अब इस श्लोक का अर्थ समझिए, अंतिम पंक्ति से समझते चलिए कि कवि क्या कर रहा है। माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को इस प्रकार ओजस्वी रूप में बजाए जिससे लताओं के जो शांति शील फूल है वह भी क्या उठे, चल उठे, उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, और जो जल की शांत बूंदे है, स्वच्छ जल की शांत बूंदे है, वह भी क्या करे, उच्छले उछलने लग जाए। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप ऐसी वीणा बजाए जिससे लताओं का नितांत फूलों का समूह है क्या करे, चल उठे, और जल की जो स्वच्छ बूंदे हैं वह उच्छल उठे। ऐसी मैं आपसे क्या करता हूं, कामना करता हूं कि आप ऐसी वीणा बजाइए। तो इस पाठ में कवि ने वसंत ऋतु का सौंदर्य बताते हुए माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रेरित करता है। आशा करता हूँ यह पाठ आप सबको समझ में आया होगा और आप इस पाठ को श्लोक के माध्यम से अच्छी तरीके से इसके शब्दार्थों को याद कीजिए।